गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, अपन रे ऑप्टिक्स के अंदर प्लेन मिरर वाला पार्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। और प्लेन मिरर वाले पार्ट के अंदर अपन ने देखा था कि अपन ने फील्ड ऑफ व्यू वाला, यानी वो पार्ट स्टार्ट कर दिया था कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट वी कैन सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर एच हाइट का ऑब्जेक्ट है, किसका, एच हाइट का अगर ऑब्जेक्ट है और अगर हम चाहते हैं कि उस एच हाइट के ऑब्जेक्ट को देखना, तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड कितना होता है, एच बाई टू। पर वो रखा भी कहाँ होना चाहिए, नीचे से एच बाई टू पे, ठीक है। जैसे अब मैं आपको एक क्वेश्चन कहता हूँ, मान लो बच्चों हमें क्वेश्चन दे दिया गया कुछ ऐसा कि ये एक पर्सन है, ध्यान से समझे, यहाँ से डी डिस्टेंस पे एक मिरर रखा हुआ है, हमें नहीं पता है कितनी लेंथ का है, वही हमें निकालना है। और इसी से टू डी लेंथ पे ये एक टू एच और इसकी हाइट है एच, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है, कौन है, एक तो ए है और एक क्या है, बी। सन और फादर का हाइट का है और ये कितने का है, टू एच का। यहाँ डी डिस्टेंस पे मिरर रखा है, ये टू डी डिस्टेंस पे आपसे ये बोला हुआ है फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर टू सी फुल साइज ऑफ बी एंड ए टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ बी एंड ए बाय ए ऑब्जेक्ट। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन ने, हो सकता है आप लोग मेरी अंग्रेजी नहीं समझ पाए हो, तो मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअल में कहने का मतलब क्या है कि आपसे ये चीज़ बोली हुई है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, एक तो ए और बी है, ठीक। ए की तो हाइट है एच और बी की हाइट कितनी है, टू एच। ए जो रखा हुआ है मिरर से डी डिस्टेंस पे और बी जो रखा हुआ है वो ए से टू डी डिस्टेंस पे। उसने क्वेश्चन ने कहा है कि हमें मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर चाहिए सो दैट वी कैन एबल टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ ए एंड बी। और कौन देखने जाता है, ए देखना चाहता है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूँ कि आप लोगों को वॉइस मेरी क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, चलो। तो देखो बच्चों, मैंने जैसा क्वेश्चन के अंदर कहा कि एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से डी डिस्टेंस पे एक ए ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, एच। दूसरा बी ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, टू एच। क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो ए है ना, ये दोनों की फुल साइज इमेज देखना चाहता है। क्या करना चाहता है, दोनों की फुल साइज इमेज, मतलब ये खुद भी दिख सके और ये भी दिख सके। तो आपसे पूछा हुआ है मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना होगा, तो चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो, मैंने एच यहां से डी डिस्टेंस पे, ये मिरर है ही। अच्छा, यहां से कितनी डिस्टेंस पे, 2d डिस्टेंस पे कितना, ये 2h, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां पे हमारा मिरर है, यहां पे क्या है, मिरर है। अब मैंने क्या चीज बोली थी, हमेशा रे चलेगी हमारे ऑब्जेक्टिव से और किधर जानी चाहिए, रिफ्लेक्ट होके जो आप रेफरेंस है, मतलब जिसको आप दिखाना चाहते हो। अब देखो, हम चाहते हैं कि ए और बी की फुल साइज इमेज दिखे, तो इसका मतलब मिनिमम मेरे लिए क्या है कि इसके पाँव भी दिखने चाहिए और इसका सिर भी दिखना चाहिए। इसके तो क्या दिखने चाहिए, पाँव, और इसके क्या दिखने चाहिए, सिर दिखना चाहिए। यानी सबसे पहली रे तो चलेगी हमारे पास ऐसे, ठीक है, ये ऐसे गई, यहाँ हमने नॉर्मल बनाया और फिर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके इसकी आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ये आ गई, ठीक। अगर आप यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे को आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे डी डिस्टेंस पे क्या हो जाएगी, इसकी इमेज, और यहाँ पे एक नॉर्मल इंसिडेंस करा दो और यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके एच हाइट का ऑब्जेक्ट की इमेज। मान लो ये लेंथ जो है वो एक्स है, मान लो
ये लेंथ जो है वो तो एक्स है और हमें पता है ये तो कितना एच, ये डी डिस्टेंस पे ही होने वाला है इमेज का फॉर्मेशन, तो ये हमने बना दिया। अब दूसरा मैं क्या ले रहा हूँ, मुझे मेरे को चाहिए कि इसकी भी फुल साइज इमेज दिखे, तो क्या करूँ, इसके सिर से रे चलाओ, यहाँ नॉर्मल बनाओ और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसकी आंखों में इंसिडेंट कराओ, ठीक है। तो ये जब जाएगी रे, अगर आगे बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कितनी डिस्टेंस पे, 2D डिस्टेंस पे। हो सकता है ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं दिख रही है उसके कंपैरिजन में, पर अपना काम तो वही है। दूसरा क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस कराना है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक ट्राइंगल हो जाएगा। तो मान लो अगर ये मैं कहूँ तो ये अपना क्या हो चुका है, वाई लेंथ हो गई। तो मेरी जो अगर मैं आपसे कहूँ लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर जो है वो कितना है, एक्स प्लस वाई है कि नहीं है, लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड कितना, एक्स प्लस वाई। अब मुझे एक्स और वाई निकालना है, तो कैसे निकाल लूँ, सबसे पहले देखो अगर मैं कहूँ कि ये ए था, ये बी है, ठीक है, ये पॉइंट ओ मान लेते हैं, ये पी मान लेते हैं, ये क्यू मान लेते हैं, ये ए डैश हो गया है ना, ये हो सी और ये हो गया सी डैश, ये हो गया डी और ये हो गया हमारे डी डैश। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ, ये और एक ये वाला, ये दोनों सिमिलर है, क्या जाएगा, परपेंडिकुलर तो डी, बेस कितना x इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर कितना 2d और बेस कितना h, यहाँ तो मुझे दिख ही गया कि x की वैल्यू कितनी आ रही है h अपॉन 2, यहाँ तो क्लियर है कि अगर, वैसे भी ऑब्वियसली बात है आप लोग जानते ही थे कि अगर h हाइट का ऑब्जेक्ट है तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द इमेज इज h बाई 2 और वही आना चाहिए था। अब बात करूँ मैं इसके लिए, तो मुझे दिख रहा है ये और एक ये, तो इसके लिए देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दूसरे ट्राइंगल के लिए क्या देखेंगे, ये आएगा डी, परपेंडिकुलर तो यही हुआ और बेस कितना वाई इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर देखो ये d 2d टोटल कितना 4d और बेस कितना हो गया। अच्छा बेस की बात करें तो देखो ये वाला कितनी लेंथ होगी, क्या ये भी h है क्या, क्योंकि उसकी टोटल लेंथ 2h है ना, यहाँ आ जाएगा h। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई है हमारे पास h अपॉन 4। आंसर हमारा क्या आ गया, x प्लस वाई यानी कितना h अपॉन 2 प्लस h अपॉन 4, आंसर हमारा कितना आ गया 3h अपॉन 4, आंसर हमारा कितना आ गया 3h अपॉन 4। देखो बच्चों यहाँ पे ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि 3h अपॉन 4 आंसर जो हमारा आया उससे क्या चीज़ की क्लियरिटी है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छी लो। हमसे बोला जाए क्वेश्चन के अंदर कि ये ठीक है, यहाँ रखा हुआ है मिरर, क्या रखा हुआ है मिरर, एक इसमें क्या है, ईच स्टेप इज स्क्वायर ऑफ साइड 0.1 मीटर, ठीक है, हर एक जो स्टेप है वो कितने की है, 0.1 मीटर की। जो थर्ड नंबर की है उस पर एक पर्सन स्टैंडिंग कंडीशन पे, उस पर एक पर्सन क्या है स्टैंडिंग कंडीशन पे है, यहाँ से डिस्टेंस आपको दे रखी है 2 मीटर, दो नहीं ये आप ले लो, थोड़ा इसको अलग रखेंगे, ये हमें दे रखी है 0.8 मीटर, ठीक है। और यहाँ की जो स्टेप है ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड नंबर की स्टेप है, ये खुद है, आपसे पूछा हुआ है इफ मैन हैज़ हाइट 1.2 मीटर, फाइंड आउट मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर
टू सी फुल इमेज ऑफ हिम एंड डाउन स्टेयर, जो सबसे लोवेस्ट सीढ़ी है ना, आप उसको भी देखना चाहते हो। तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, सेम ये क्वेश्चन है वैसा इस टाइप का, क्या है ये सेम क्वेश्चन है वैसा इस टाइप का। अब मुझे बताओ, देखो मैं आपसे अगर यहाँ पे कहूँ तो देखो मेरे लिए क्या है, ध्यान से समझना, मैंने क्या करा 0.8 मीटर पे ये हमारी सीडी का लोवेस्ट पॉइंट बना दिया। अच्छा यहाँ से देखो ये है, ये कितना 0.1, ये भी कितना 0.1, और थर्ड पे तो ये खुद खड़ा ही है बिल्कुल एज पे, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ बिल्कुल इस कोने पे दे रखा है, ये मान लेना क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो ये कितने डिस्टेंस पे हो गया, 0.3 पे, और इसकी टोटल हाइट क्या कहोगे, देखो 0.1 कितना हो चुका है, एक्चुअल में इसकी हाइट हो चुकी है 1.5 मीटर। आप कहोगे कि ऐसा क्यों सर, भैया सीडी के ऊपर खड़े रहने से हाइट बढ़ गई ना, एक्चुअल में इसकी हाइट 1.2 थी पर यहाँ 0.1 ऐड हो गया। अब चलो रे चलाते हैं, क्या था कि ये रे चली कहाँ जानी चाहिए, यहाँ पे सीढ़ियाँ देखनी है ना इसको। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे इस रे को आगे बढ़ाऊँ रिफ्लेक्टेड को, तो ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से अगर मैंने नॉर्मल इंसिडेंस कराया, ये ध्यान में रखना नॉर्मल का अपना एक इम्पोर्टेंस होती है, तो ये नॉर्मल के लिए ये हो गया, क्या हो गया नॉर्मल के लिए ये वाली चीज़ हो गई। अब क्या करें भैया, ये तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँगा ये, तो ये तो जमीन के नीचे जा रहा है अगर आगे की तरफ बढ़ाऊँ तो फिर क्या करें। देखो ध्यान से समझना बच्चों, इसके अंदर क्या है, अगर ये 0.8 मीटर पे है तो ये भी 0.8 पे होगा, और मुझे पता है मैं ये वाला ट्रायंगल नहीं लूँ पर अगर मैं ये वाला ले लूँ 1.5 मीटर वाला, तो मेरा काम तो तब भी होगा ना, होगा कि नहीं होगा। क्यों, अब मैं ये ट्रायंगल ये वाला ले लूँगा, ये 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 और एक ये ये और ये ले सकते हैं, तो मुझे क्या निकालना है, केवल एक्स ही तो निकालना है, काम तो हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो परपेंडिकुलर 1.1 कैसे आया, ये 0.3 प्लस 0.8 से, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 1.1 डिवाइड बाय बेस कितना एक्स, फिर ये कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर 0.3 प्लस 0.8 प्लस 0.8 डिवाइड बाय बेस कितना 1.5। तो अपने को क्या निकालना है, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी हमारे पास 1.5 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 1.6 1.9, तो कितना आया ये 1.6। ये हमारा आंसर आ चुका है, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी 16.5 डिवाइडेड बाय 90। समझ में आ गई, तो ये तरीका होगा मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड में। अब इसमें देखो अपन क्वेश्चन को कैसे भी बड़ा कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे बड़ा करेंगे, मान लो अब देखो मैंने अगर इसमें ऐसा चेंज किया, देखो क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज करना सिखाता हूँ, मान लो हमने क्वेश्चन को चेंज करके कुछ इस तरीके से कर दिया कि ये 2h डिस्टेंस d 3h/2, फिर यहाँ से 2d और यहाँ पे h, ठीक है, और यहाँ से
डी, ये रहा ए बी सी, क्या है मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर टू सी, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर टू सी फुल इमेज बाय बी ऑफ ए एंड सी। बी को देखना है किसको, ए और सी को, बी को देखना है किसको, ए और सी को, मतलब ए बी चाहता है ए और सी की वो फुल साइज इमेज देखे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, रे डायग्राम ध्यान से समझे वापस से, अगर मैं आपको थोड़ा भी कहीं मिस हो गया है तो क्या करो, देखो यहां से डी डिस्टेंस ये हो गया हमारा एच हाइट, ठीक, फिर यहां से कितनी डिस्टेंस 2d, क्वेश्चन से घबराना नहीं है, ये होगी हमारी 3h by 2, और फिर यहां से कितना d डिस्टेंस, और ये कितना हो गया 2h, ठीक है, ये h 2h हो गया, ये 3h by 2 हो गया, और ये h हो गया। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि b को देखना है किसको, b देखना चाहता है ए और सी को, मतलब मैं ये चाहता हूं कि सी के भी पाँव, ए के पाँव भी दिखे और सी का सिर भी दिखे। तो मेन क्या है, देखो रे कहीं, रे जो चलेगी वो तो ऑब्जेक्ट से चलेगी, और ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पाँव, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ जानी चाहिए, इसके आंखों पे। तो बी को देखना है तो क्या करें, ये मैंने रे चलाई, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, ठीक। अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊंगा तो ये इसके पाँव बन जाएंगे कितने डी डिस्टेंस पे, तो डी डिस्टेंस पे इसके क्या हो चुके हैं, पाँव बन चुके हैं, ठीक। अच्छा एक मैं नॉर्मल इंसिडेंस कराऊं यहाँ पे तो क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस कराने पे हालांकि इसकी तो क्या होगी, इमेज तो वहाँ पे बनेगी, कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये 2d डिस्टेंस हो गई। तो ये फिर सर ये ट्राइंगल को कैसे करें, तो भैया वो ट्राइंगल लेने की जरूरत थोड़ी ना, आप तो ये ले लो सेम लेंथ, तो यहाँ पे 3h by 2 ही आने वाली, ये x लेंथ है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, देखो ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर तो आ गया 3d, और बेस कितना आ गया x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखो 2d d और d कितना हो गया 4d, और बेस कितना 3h by 2। तो x की वैल्यू की बात करूं, d से d क्या हो गया कैंसिल, तो यहां पे देखो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9h अपॉन 8, क्या आ गया 9h by 8। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव कि बी जो सी है उसका सिर भी दिखे, तो सी से रे चलाओ और रिफ्लेक्ट करा के कहाँ लाओ, यहाँ पे। तो जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ उसका सिर दिखेगा कितनी डिस्टेंस पे, डी पे, ठीक है। अच्छा नॉर्मल इंसिडेंस कराएंगे वापस से तो यहाँ क्या आता जाएगा, ये तो बनेगा ही, पर अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा आगे बढ़ा दूँ तो काम हो जाएगा। अब देखो ये हो गया हमारे वाई, ध्यान से देखो ये 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 क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर तो 3d, परपेंडिकुलर तो 3d, बेस कितना वाई, फिर इसका परपेंडिकुलर देखो ये पूरा 2d d, और फिर d 2d d कितना हो गया 2d प्लस डी प्लस डी प्लस 2d प्लस डी, ये इसका परपेंडिकुलर है ये देखो। और अगर अपन बात करें तो ये कितना है, ये केवल h by 2 है, ध्यान में रखो क्योंकि ये वाली लेंथ 3h by 2 थी, तो यहाँ कितना जाएगा, ये आएगा h अपॉन 2। तो y की बात करें तो देखो d से d कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हुआ 3 का लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर, कितना आएगा 9h अपॉन 8 प्लस 3h बाय 14, 9h अपॉन 8 प्लस 3h अपॉन 14। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, मेन ऑब्जेक्टिव तो अपना यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, मेन ऑब्जेक्टिव तो क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है, ठीक है।
ठीक है। चलो अब देखो मैं एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ बच्चों, जिसमें फील्ड ऑफ व्यू का बहुत ज़्यादा रोल है। और फील्ड ऑफ व्यू का रोल है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मान लो हमारे से बोला हुआ है क्या कि ये एक मिरर है। ये क्या है, एक मिरर है। मिरर के बिल्कुल सामने डी डिस्टेंस पे एक क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट भी नहीं, और आपसे बोला हुआ है कि चलो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगी। मान लो कि ये है डी, ठीक, डी लेंथ का मिरर है। यहाँ खड़ा है एक बॉय, कितनी डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे। इससे 3D डिस्टेंस पे इधर से निकली एक गर्ल, कितनी u वेलोसिटी से, वो क्या कर रही है, इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे तो जा रही है गर्ल किधर, u वेलोसिटी से। ये बॉय है, ये क्या है, स्टैटिक कंडीशन में, ठीक है। इसकी नज़र पड़ी किस पे से, मिरर के वजह से। तो इसने क्या देखा, बॉय ने देखा कि पीछे से एक गर्ल निकल रही है, तो क्या करेगा, बहुत देर तक मिरर के सामने खड़ा रहेगा। किस लिए खड़ा है, ताकि वो मिरर के अंदर इधर से जो गर्ल जा रही है उसको देख सके, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है फाइंड आउट द टाइम अप टू विच बॉय कैन सी गर्ल इमेज। क्या बोला हुआ है, वो टाइम आपको बताना है जिस टाइम तक जो बॉय है वो गर्ल की इमेज को देख पाएगा, ठीक है। तो क्या करें इसमें, इसमें करने का तरीका बच्चों सीधा सिंपल सा है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में कि मैक्सिमम क्या चीज बनेगी, तो वहां पे अपने को क्या करना है, एजेस पे रिफ्लेक्शन कराना है। एजेस पे कैसे, जैसे समझो मान लो ये हमारा मिरर है और यहां से ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, बिल्कुल मिड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करो, जैसे यहां से रे चली, ये इसका क्या, बिल्कुल एज पे, यही तो मैक्सिमम बाउंड्री अपने पास, कि इसके आगे कोई भी रे नहीं जा सकती क्योंकि उसके बाद तो मिरर ही खत्म हो गया ना। यानी जहां तक इसकी इमेज दिख सकती है वो कहां पे, मिरर के यहां तक। तो यहां देखो मैंने ये बना दिया नॉर्मल, क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगी, ठीक। ऐसे इधर से रे चली, ये अपन ने नॉर्मल बनाया और रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगी। तो मैंने क्या करा, मुझे पता है अगर मैं इन दोनों रे को आगे बढ़ाऊं तो क्या होगा, ये आ जाएगी, ठीक है, और ये आ जाएगी, ठीक। तो आप, सॉरी मैंने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ये बॉय नहीं है भैया, ये है गर्ल, है ना, और ये क्या है, बॉय। अपना लड़का तो यू वेलोसिटी से चल रहा है ना, तो यू वेलोसिटी से जा रहा है और आपसे पूछा हुआ है फाइंड आउट द टाइम अप टू विच बॉय कैन सी द गर्ल इमेज, गर्ल की इमेज भाई बिल्कुल सामने बन रही होगी, तो ये गर्ल है तो यहाँ पे गर्ल की इमेज बन रही होगी। अब बॉय जो है वो आ रहा है इधर से चलता हुआ, कितनी डिस्टेंस है, यहाँ से 3D डिस्टेंस पे, कहाँ से, 3D डिस्टेंस पे। तो अब देखो ये जो भी हमारी रिफ्लेक्टेड रे है यूँ आ रही है और ये यूँ आ रही है, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या यही वो रीज़न है जिसके अंदर, यही तो हमारा क्या है, फील्ड ऑफ व्यू। जब तक इस रीजन के अंदर बॉय है तब तक वो गर्ल की इमेज देख पाएगा, अदरवाइज यहाँ पे गर्ल की इमेज देखना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या करूँ भाई, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे गर्ल की इमेज दिखी है ना, तो ये नजरें तो इसकी इधर ही है, किसमें, मिरर पे, तो ये जा रहा होगा, तो ये जा रहा है, तो ये देखो ये वाला ट्राइंगल
और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर करके निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालोगे, देखो ये डिस्टेंस कितनी डी, क्योंकि ये भी डी है, क्वेश्चन ने दे रखा है, और ये डिस्टेंस भी कितनी है डी। तो अब देखो, अगर मैं कहूँ ये छोटे वाले ट्राइंगल के लिए तो क्या लिखोगे, डी अपॉन डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर कितना बनेगा, देखो 3D, डी और डी कितना आ गया 5D, और बेस की बात करें तो बेस कितना हो गया, मान लो ये x हो गया, है ना, तो यहाँ क्या जाएगा x, तो यहाँ कितना आ रहा है, देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 5D आएगी नहीं आई। तो टाइम की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा x अपॉन v, यानी आंसर कितना आ गया 5D अपॉन u, यानी अगर वो देख सकता है इमेज तो कितनी कितने टाइम तक के लिए देख पाएगा, इतने टाइम के लिए देख पाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसी में जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा डिफरेंट भी आ जाता है, डिफरेंट इन द सेंस आप लोगों को मैं एक वो डिफरेंट सा क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो मान लो लैंप वाला क्वेश्चन आया, देखो मान लो हमारे को क्वेश्चन दे दिया, आपसे बोला हुआ है ए मैन ऑफ हाइट एच इज वॉकिंग ऑन रोड, ए मैन ऑफ हाइट एच इज वॉकिंग ऑन ए रोड विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, विथ कॉन्स्टेंट स्पीड u, क्या बोला हुआ है, एक आदमी है जिसकी हाइट h है, वो मूव कर रहा है किस पे, रोड पे, ये road है ना, रोड, इसको मैं सही कर दूं, ये लिखा हुआ है road, रोड, ठीक है, विथ कॉन्स्टेंट स्पीड u, तो यहां पे u से जा रहा है, इफ हाइट ऑफ पॉल लैम्प इज 3H, एक पॉल है जिसकी हाइट कितनी है 3H है, आपसे पूछा हुआ है द रेट एट विच द लेंथ ऑफ मैंस शेडो the rate at which the length of man's shadow is increasing when it is at a distance 10h from the base lamp. Man's shadow is increasing when it is at a distance 10h from it. देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने कहा है ए मैन ऑफ हाइट h वॉकिंग ऑन ए रोड विथ कॉन्स्टेंट स्पीड u, द हाइट ऑफ द रोड लैम्प पॉल लैम्प जो भी है इज 3h, द रेट एट विच द लेंथ ऑफ मैन शेडो इज इंक्रीजिंग when it is at a distance 10h from the base. ये बेस से मानना है आपको, है ना, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन ने, ठीक। अब देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये लैंप वाला, ये तो मुझे बताओ, जैसे मान लो ये पोल हो गया हमारा, कितना पोल हो गया, कितनी हाइट का है, क्वेश्चन ने कहा है 3H हाइट का है भाई, कितनी हाइट का बोला हुआ है 3H का, अच्छा ये बताओ 3H का हो चुका है, मेन जो है वो कहाँ कितनी डिस्टेंस पे है 10H पे, पर मैंने मान लिया x डिस्टेंस पे, कितने पे x डिस्टेंस पे, और कितनी हाइट का है h हाइट का है,
ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसकी जो शेडो बनेगी वो यही बनेगी? देखो ये एच हाइट का है, ये मेन है, तो ऑब्वियस ही बात है शेडो तो रोड पे बनेगी, तो यही होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, इसके अंदर अगर अपन देखें तो क्या करना चाहिए? अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो ट्रायंगल मुझे दिख रहे हैं, कौन से? ये और एक ये, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे इस केस में? सिमिलर होंगे। तो आप क्या लिखोगे कि y अपॉन h यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन 3h, यही आएगा। तो यहां से देखो कितना आ गया, ये आ गया h से h कैंसिल, तो 3y इज इक्वल टू x प्लस y, यहाँ x इज इक्वल टू 2y आया कि नहीं आया? अच्छा अब ये बताओ, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर अपन बात करें कि ये dx अपॉन dt क्या है, dx अपॉन dt क्या है? ये इसके रेट के चेंज होने की जो रेट है, तो ये क्या है? ये बेसिकली ये वो डिस्टेंस है जिससे कौन चल रहा है, अगर अपन बात करें तो ये क्या हो गया, द रेट एट विच मैन इज मूविंग अवे, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं स्पीड ऑफ मैन, क्योंकि जैसे ही आप आगे जा चुके होगे डिस्टेंस क्या हो चुकी होगी, चेंज हो चुकी होगी। अब आप सोच रहे हो कि सर इसमें इतना डाटा दे रखा है उसका क्या यूज़ है? कोई यूज़ नहीं है। ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे अब देखो dy/dt की बात करें तो dy/dt क्या है भाई? ये आ रही है हमारे लेंथ, या यूँ कह दो इसको लेंथ नहीं, चेंज इन लेंथ, यह आएगा हमारे चेंज इन लेंथ ऑफ मेंस शेडो। क्या है आदमी के जो शेडो है उसके चेंज होने की रेट, यहाँ पे क्या है dy/dt। अब मुझसे उसने क्या पूछा है, वही पूछा है कि शेडो कितने से चेंज हो रही होगी, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या कि dx/dt इज इक्वल टू 2dy/dt। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया u इज इक्वल टू ट्वाइस dy/dt। तो यहाँ से dy/dt की वैल्यू कितनी आ गई, u/2। ठीक है, ये हर एक केस में आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिपेंड करेगा किस पे, कि आपके जो पोल की हाइट है वो कितनी है और किस अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो ये मत सोचना है कि अपने को ये दे रखा होगा तो अपन काम कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं सोचनी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे से कल रह गया था, मैंने उसमें बताया तो था केवल मिरर को रोटेट करा के। मान लो आपसे कह दिया क्वेश्चन के अंदर, ये चीज़ ध्यान में भी रखना है कि नॉट पॉइंट है ना, नॉट, जैसे मैंने बताया था कि ये है यहां से लाइट आई और इधर रिफ्लेक्ट होके चली गई, ये आई एंगल है और ये भी आई एंगल है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मिरर को भी मैं रोटेट कर रहा हूं थीटा से और इंसिडेंट रे को भी रोटेट कर रहा हूं आई एंगल से, क्या कर रहा हूं, मतलब जरूरी नहीं है कुछ आई वन एंगल ले लो यार, है ना, क्या कर रहे हैं हम, मिरर इज रोटेटिंग विद एंगल थीटा एंड इंसिडेंट रे इज ऑल्सो रोटेटिंग with angle I1, then angle rotated by reflected ray। तो ये चीज़ अपने को थोड़ा ध्यान में रखनी है, क्या
ये ध्यान में रखना है कि जो एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे होगा वो 2θ - I1 होगा। क्या होगा? 2θ - I1। अब ये क्या है? थीटा तो अपने को पता है, ये तो किसके थ्रू हो गया? एंगल रोटेटेड बाय मिरर, और ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। पर ये ध्यान में रखना, मस्ट बी इन सेम सेंस, मस्ट बी इन सेम सेंस। मतलब जैसे मैं आपसे कहूँ, क्वेश्चन ने हमें इस तरीके से दिया, जो नहीं अपने को जो बोल रखा है उस तरीके से दिया जाए, हमें दे दिया कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन ने ये दिया कि ये रे है ना, ये आया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। आपसे बोल दिया इसको तो हम घुमा रहे हैं 30 डिग्री से, और इसको घुमा रहे हैं इधर कितने से, 10 डिग्री से। तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगी? तो अब यहाँ देखो, इसका सेंस क्लॉकवाइज है, इसका सेंस एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब सेंस चेंज हो जाएगा ना, तो फिर ऐड हो जाएंगे भाई। जैसे दोनों सेम सेंस में है, जैसे मैं आपसे ये कहता कि क्वेश्चन एक ये होता कि ये हमारा मिरर हो गया, यहाँ से लाइट आई और यूँ चली गई, ठीक है, ये इधर से घूमना स्टार्ट हुआ 20 डिग्री से, ये इधर की तरफ गया 5 डिग्री से, और हमारे से पूछा जाए रिफ्लेक्टेड का कितना है। तो इस सेंस में तो आप ये कहोगे कि थीटा वन कितना आ जाएगा, 2 × 20, मिरर का एंगल -5 डिग्री, आंसर कितना आ गया 35 डिग्री। पर जब इसके केस में बात करूँगा तो अपोजिट सेंस है, तो क्या लिखोगे, 2 × 30 और -10। अब आपने किसको पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव किसको लिया है? अगर अपने को फाइनल आंसर देना है तो कैसे देंगे? देखो, हम इसी को पॉजिटिव ले रहे हैं, इसका मतलब यह आंसर क्लॉकवाइज ही आएगा। यहाँ देखो, आपने 30 वाले को पॉजिटिव लिया है और इसको क्या लिया है, नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को। तो फाइनल आंसर कितना आया, 70 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अपने को ध्यान में रखना है, ताकि आप लोगों के इसमें हेल्प मिले, ठीक है। अब मैं देखो, कुछ क्वेश्चन है जो मैंने बचा के रखे हुए थे, मैं सारे क्वेश्चन तो आप लोगों को नहीं करा सकता, पर आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो करना है। मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, फिर अपन आते हैं वेलोसिटी कंसेप्ट पे। ठीक है, तो चलो अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो मैं पहले आप लोगों को नोट करवा रहा हूँ, क्योंकि बाद में क्लास अगर फिनिश हो जाएगी तो मैं उस टाइम मुझे याद नहीं रहेगा, इसलिए सभी बच्चे उन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करना। इससे क्या होगा बच्चों, आप लोगों की ही हैबिट अच्छी होगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ चलेगा। इसलिए प्लेन मिरर को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो इन सभी वेरिएशंस को करके देखना। आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ने कहा है कि ये 2h यहां से d डिस्टेंस पे 3h/2 और यहां से d डिस्टेंस पे मिरर। आपको पता ही है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ये a है, ये b है। इफ a वांट टू सी फुल साइज इमेज ऑफ बोथ लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे को दे रखा है, ये आपको दे रखा है कि मिरर है जिसकी लेंथ दे रखी है डी, ठीक है, और आपको दे रखा है कि एक गर्ल है
जो यहाँ पे है कितनी डिस्टेंस पे है, ये है हमारे 3D अपॉन 2 डिस्टेंस पे। मिरर से कितनी डिस्टेंस पे है, 3D अपॉन 2 पे। ठीक, यहाँ से 3D डिस्टेंस पे, यहाँ से 3D डिस्टेंस पे एक बॉय है जो u वेलोसिटी से आ रहा है। बॉय कितने से, u वेलोसिटी से आ रहा है। आपसे बोला हुआ है क्वेश्चन ने कि अगर ये ये हाइट आपको बोल दी, ये d है, तो आपसे पूछा हुआ है फाइंड आउट द टाइम अप टू विच बॉय कैन सी द फुल साइज, बॉय कैन सी इमेज ऑफ गर्ल की कब तक वो इमेज देख पाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, क्या दिया है कि ये है हमारे पास 0.25 मीटर का एक मिरर और ये रखा हुआ है ग्राउंड से 0.75 इस पे। एक पर्सन है जो कितना, 1 मीटर की हाइट का है। ये पर्सन कितनी हाइट है, 1 मीटर। ठीक, आपसे बोला हुआ है ये यहाँ से रखा है 0.5 मीटर पे। आपसे पूछा हुआ है फाइंड आउट द पार्ट ऑफ हिज बॉडी ही कैन सी इन मिरर। भाई ऑब्वियस सी बात है, अब मिरर की लेंथ दे रखी तो उससे ये पूछा गया है कि अगर वो 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा है, खुद ने उसको अगर 0.5 की डिस्टेंस पे मेंटेन कर रखा है, तो आपसे पूछा हुआ है कि वो कितनी लेंथ का पार्ट आपके बॉडी, उसकी खुद की बॉडी का देख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला हुआ है क्वेश्चन ने ये है कि ये 5 मीटर, यहाँ से 1.5 मीटर है ना, कहाँ पे, 1 मीटर पे। फिर ये पार्टिकल है जो कितने पे है, 3 मीटर पे। ये तो है कॉइन है ना, सी कॉइन एज वेल एज हिज फादर फुल साइज इमेज फाइंड लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रे आई और यहाँ है वॉल, क्या है वॉल, और ये गिर रही है इससे 37 डिग्री पे, इसको घुमा रहे हैं अपन ओमेगा से, और ये स्पॉट। ठीक है,
इफ मिरर इज रोटेटिंग विद ओमेगा फाइंड द स्पीड ऑफ स्पॉट, स्पॉट की स्पीड आपको बतानी है, ये आपको दे रखा है डी, है ना, ये डी दे रखा है, बस सॉरी ये भी डी दे रखा है, नहीं ये डी है तो ये है 4D/3, ये 4D/3 ताकि ये उसका भी सेटिस्फाई कर जाए कंडीशन, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को होमवर्क के अंदर करने हैं। अब अपन नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ चलेंगे, स्पीड ऑफ इमेज। जब अपने को प्लेन मिरर को अगर अपन ने कोई वेलोसिटी वगैरह दे रखी है तो वहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करना है, वो वाले पार्ट पे अब अपन आने वाले हैं, ठीक है। चलो अब अपन उस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन हेडिंग जो देखने वाले हैं चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं जो अपनी हेडिंग है वो है वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या देख रहे हैं नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज में क्या है बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी है और किस तरीके से इसके अंदर सॉल्व करना होगा क्या होगा। जैसे मैं मान लो आपसे कहूँ कि ये मिरर हो गया, ये क्या हो गया मिरर। अब आप कहोगे कि सर मिरर एक उसमें तो होता नहीं है, तो मान लेते हैं मिरर जो रखा हुआ है किस में रखा हुआ है, इसका अगर मैं 3D डायग्राम बनाऊं तो ये ऐसा हो गया मिरर, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो ब्लैक पॉलिश है, किस में रखा हुआ है ये YZ प्लेन, ठीक है ना, इसलिए मैंने YZ वाली डायरेक्शन बनाई है। तो YZ प्लेन पे रखा हुआ है और यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक। और अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहाँ पे मैं कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कुछ यहाँ पे बनेगी, वो कि वही इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अब मुझे एक चीज़ बताओ बच्चों, अगर अपन बात करें तो प्लेन मिरर का कंसेप्ट क्या कहता है। प्लेन मिरर का कंसेप्ट कहता है कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा, किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में, तो अपन ये क्या कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट और मिरर के लिए आप बात कर रहे हो तो मुझे एक चीज बताओ, ये लिखेंगे XOM, XOM। ऑब्वियस सी बात है, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि प्लेन मिरर इधर रखा हुआ है और मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ ऐसे, तो इमेज भी किधर की तरफ आ रही होगी, इधर की तरफ आएगी कि नहीं आएगी। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर आप इस वाली डायरेक्शन को देखो, इस वाली डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो मैं ये लिखूंगा ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी कि नहीं होगी। तो इसका मतलब XOM की वैल्यू अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो किसके इक्वल लिखोगे, ये लिखेंगे हम माइनस ऑफ XIM डिस्प्ले। जब अपन इस वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर आप लोगे तो वही आएगा। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या कर रहे हैं अपन, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या चीज़ आ जाएगी, यह आएगी
पीटी। अच्छा ये कौन सी डायरेक्शन में है वैसे, अगर अपन इसके बारे में चर्चा करें तो ये किसके लिए वैलिड है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन मिरर प्लेन। जो प्लेन मिरर रखा हुआ है उसके जो प्लेन है, जैसे यहां पे मुझे दिख रहा है वाई जेड है, तो मैं ये किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, एक्स की। यहां पे भी किसकी बात कर रहा हूं, एक्स की। जैसे वाई जेड प्लेन में रखे हुए हैं तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो एक्स डायरेक्शन में अगर ये इधर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में जा रहा होगा तो इमेज किधर जा रही होगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी। तो अब देखो यहां क्या है, ये आया वी ओ एम इन टू ब्रैकेट में x इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई एम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो अगर अपन बात करें तो आएगा वी ओ माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वी आई प्लस वी एम, यही आएगा। अब ये किसके रेस्पेक्ट, ये तो x डायरेक्शन में तो है पर किसके रेस्पेक्ट में आ गई, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज x डायरेक्शन में कितनी आ जाएगी, देखो वी एम इधर आ जाएगा तो ट्वाइस वी एम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वी ओ। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि अगर जो भी प्लेन मिरर रखे हुए, जिस प्लेन में भी अगर प्लेन मिरर रखा हुआ है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी किस तरह से दी जाएगी, कुछ इस तरीके से दी जाएगी, ठीक है। तो फिर बाकी का क्या करेंगे, बाकी में तो कोई नहीं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सपोज करना कि ये हमारा प्लेन मिरर है, अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो मिरर देखो ऐसे समझो कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है उसकी, तो ये ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा होगा तो इमेज भी ऐसे ही जा रही होगी, तो ये हमेशा क्या आगे पीछे मूव करेगा। अगर ये पॉजिटिव में जा रही है तो इमेज भी क्या जा रही है, पॉजिटिव में। अगर आप ये नीचे लेके जाओगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी किधर जाएगी, नेगेटिव में। तो इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि इन सेम प्लेन आप क्या लिख सकते हो कि x o m नहीं y o m इज इक्वल टू y i m बराबर होगा, है ना। ऐसे ही z o m इज इक्वल टू z i m। तो जब अपन बात करेंगे, देखो इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं, ये इक्वेशन वन बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन टू बोल रहा हूँ। तो देखो वन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या जाएगा, v o m इंटू वाई इज इक्वल टू वी आई एम इंटू वाई। तो यहाँ देखो वी ओ माइनस वी एम इज इक्वल टू वी आई माइनस वी एम, तो ये वी एम से वी एम कैंसिल हो जाएगा, यानी वी ओ अलोंग वाई इज इक्वल टू वी आई अलोंग वाई। यानी जिस प्लेन में मिरर रखा हुआ है ना उस प्लेन में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, वो का वही करना है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वी ओ एम अलोंग जेड इज इक्वल टू वी आई एम अलोंग जेड, ये आ जाएगा वी ओ माइनस वी एम इज इक्वल टू वी आई माइनस वी एम, जैसे कह सकते हैं वी ओ अलोंग जेड इज इक्वल टू वी आई अलोंग जेड। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब अपन इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि किस तरीके से हमारे को समझना चाहिए, है ना। जैसे मान लो मैं एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ तो आप लोगों का कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर करेगा। कैसे, मान लो हमारे से बोल दिया ए प्लेन मिरर प्लेस्ड, ए प्लेन मिरर प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन मूविंग विथ स्पीड, प्लेन मिरर जो है वो मूव कर रहा है कितने से, 2i के माइनस जे के प्लस के के, एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग i के प्लस जे के माइनस 4 के के, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। आपसे क्या बोला हुआ है कि इमेज की वेलोसिटी बताओ, क्या बोला हुआ है इमेज की क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझो कि इस टाइप के क्वेश्चन का मेथड क्या होगा। पहले तो ये आइडिया लगाओ कि मैंने इस लाइन को इंडिकेट किया है, कौन सी वाली लाइन को मैं थोड़ा यहाँ पे इंडिकेट करना चाहता हूँ, ये वाली को,
कैसे कि एक्स वाई प्लेन में कौन रखा है, मिरर रखा हुआ है, यानी मिरर की जो वेलोसिटी है उसमें ये टू आई केप माइनस जे केप प्लस के केप है, इसमें ये दोनों तो कोई काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस प्लेन में रखा हुआ है उसमें हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसका मतलब ये लिख सकते हो, जिस प्लेन में मिरर रखा है उस प्लेन की वेलोसिटी मिरर की कोई काम की नहीं है। ठीक है ना, जिस प्लेन में मिरर रखा हुआ है उस प्लेन की जो वेलोसिटी है वो कोई काम की नहीं है। ठीक है, अब एक्स वाई में रखा है तो परपेंडिकुलर क्या है, मिरर किस में है, मिरर रखा है एक्स वाई में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हो गई, जेड। अब आप क्या लिखोगे कि वी आई अलोंग जेड, बस इसी के अंदर तो डिफरेंस लाना है, क्या आएगा ट्वाइस वी एम माइनस वी ओ, ये करोगे विद डायरेक्शन। तो विद डायरेक्शन में देखो 2 Vm कितना है, x में ये 1 आ गया। ठीक है, माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी z डायरेक्शन में कितनी है, माइनस 4 है, यहां क्या लिखोगे माइनस 4, आंसर कितना आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 6 मीटर पर सेकंड, जो भी आप यूनिट होगी। अब 6 मीटर पर सेकंड आ गया, तो अब आप जब वी आई ऑफ x लिखोगे तो किसके अलोंग, वी ओ एक्स के अलोंग ही आएगा, तो कितना आएगा देखो 1, तो यहाँ पे भी 1, वी आई अलोंग वाई यहाँ क्या आएगा 1, वी आई अलोंग जेड तो जेड कितना आ जाएगा 6, तो वी आई अलोंग टोटल अगर आप लिखोगे तो आई के प्लस जे के प्लस 6 के के, ये हमारा क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। बात समझी? अब देखो अपन डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखते हैं जिससे आप लोगों को चीजें क्लियर होगी, है ना। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूं, होपफुली अपन जब अभी तो इस बार तो अपना प्लेन मिरर का पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी नंबर ऑफ इमेज वाला बच रहा है, कल वाले लेक्चर में या सैटरडे तक अपन कुछ स्पेरिकल पार्ट के बारे में भी मैं आपको नॉलेज दे दूंगा ताकि मंडे से जब क्लास लगेगी तो अपन क्लास में जो पढ़ेंगे वो है स्फेरिकल मिरर के केसेस। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ एक एक करके। आपको दे रखा है, पहले आप लोग खुद ही इसका आंसर निकालेंगे, मैं सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, 2 मीटर पर सेकंड है, आज सभी बच्चे इसके आंसर्स भेजेंगे, मिरर जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, आपसे बोला हुआ है कि वी आई बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि मिरर है, ये जा रहा है इधर 2 मीटर पर सेकंड से, अच्छा ये सब वाई जेड में रखे हुए हैं ना, ये भी वाई जेड में। क्वेश्चन बोला हुआ है कि यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट जा रहा है 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है कि वी आई बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है और कितनी 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, आपसे बोला हुआ है कि वी ओ जो है वो 3i के माइनस 2j के माइनस k के है, तो आपसे पूछा है कि वी आई क्या आएगा वो बता दो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे, ये जा रहा है इधर 2 मीटर पर सेकंड से, आपसे पूछा हुआ है, ये बोला है कि ये वाई जेड प्लेन है, तो आपको बताना है कि वी आई क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा है क्वेश्चन ने
ये वेलोसिटी के इक्वेशन है, आप लोग इजीली कर सकते हो, है ना। क्या है कि ये 10 53 है ना, ये 37 YZ प्लेन में रखा हुआ है ना, और बोला हुआ है ये 5 मीटर पर सेकंड है, आपसे पूछा है VI बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है, अब देखो अगर आप बात करोगे प्योर एडवांस, मतलब थोड़ा इसको सोच के देखना, इसमें टाइम लगेगा। ये है ऐसा मिरर, यहाँ से रखा हुआ है थीटा एंगल पे, और ये ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है वी नॉट वेलोसिटी से, आपसे पूछा हुआ है वी आई क्या होगा इन वेक्टर फॉर्म। ये एक्स लेना है और ये वाई लेना है, ठीक है। और ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कुछ इस तरीके का, और ये आपको दे रखा है ये बीटा एंगल है, और यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे जा रहा है वी नोट से, तो आपसे बोला हुआ है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वन माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज इन टू क्या होगी। ये मिरर वन है और ये मिरर टू है, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर वन माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर टू अपने से पूछा हुआ है, तो अपने को ये वाली चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, अच्छे से अटेम्प्ट करें, ताकि अपन नेक्स्ट लेक्चर में नंबर ऑफ इमेज वाला पार्ट और वेक्टर फॉर्म में जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को रिप्रेजेंट किया जाता है वो चेक करेंगे, ठीक है। ये मैं डिस्कस भी करूँगा आप लोगों।